नायक है जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। क्या है? मैडम राइड्स द बस। तो देखिए मैडम का हिंदी मैडम हो गया और राइड्स में होता है सवार होना। क्या होता है? सवार होना। तो सवार होने के लिए हम इसका लिखेंगे राइड्स, और बस तो आप सभी ने देखा भी होगा, ठीक है, और नहीं देखा होगा तो आपको इमेजेस में दिख जाएगा, ठीक है, नीचे दिख रहा होगा। चलिए तो मैडम बस में सवार होती है, मैडम राइड्स द बस, मैडम बस में सवार होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, ये जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 190 पर मिल जाएगा, 119 पेज पर ही आपके जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो लेट स्टार्ट द क्लास, आइए क्लास को शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा है कि वल्ली, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, व्हाट मिस हो जाएगा आपका क्या, और वल्लीज एक फीमेल का नाम है ना, एक लड़की का नाम है। चलिए ये हो जाएगा वल्ली, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको वल्ली। क्या पढ़ेंगे इसको? वल्ली। तो वल्लीस है ना, किसके टाइम की बात कर रहे हैं? वल्लीस के, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी होमा और इसका यूज क्या हुआ है, ठीक है, और फेवरेट होता है पसंदीदा, ठीक है, पसंदीदा, ठीक है। तो वल्ली का फेवरेट पसंदीदा पास टाइम मतलब समय बिताना, समय बिताना। तो वल्ली का पसंदीदा समय बिताने का काम क्या था, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं कि यहां पर वल्ली का समय बिताने का पसंदीदा काम क्या था, मतलब कुल मिला के बात ही है। क्वेश्चन को इस प्रकार से ना लीजिए आप, क्वेश्चन ये है कि वल्ली जो है अपना जो फेवरेट जो समय होता है वो कैसे स्पेंड करती है ना, कहां पर बिताती है, क्या काम करती है, या क्या काम करते हुए अपना समय बिताती है, ठीक है ना। चलिए आंसर देखिए इसका, तो आंसर देखिए इसका, आंसर है हमारा वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, ठीक है। तो देखिए किसके फेवरेट पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, वल्लीज के। तो अगर क्वेश्चन को जाए आपका वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए आप, वल्ली फेवरेट पास्ट टाइम, वाज टू स्टे इन फ्रंट डोर वे ऑफ आर हाउस, इट वाज टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ठीक है ना। चलिए अब इसको समझ लेते हैं अपन। तो वल्ली का जो पसंदीदा समय बिताने का जो काम था वो क्या था? स्टैंड। तो देखिए स्टैंड होता है खड़े होना, खड़े होना, ठीक है। चल इन फ्रंट होता है के सामने, के सामने, क्लियर हो गया। हाँ डोर होता है दरवाजे पर, ठीक है, दरवाजा होता है, तो दरवाजे पर खड़े होना, किसके दरवाजे पर? अपने घर के, ठीक है, हॉस्पिटल के घर। तो देखिए तो उसका समय कहां पर ज्यादा गुजारती थी वल्ली, अपना फेवरेट पसंदीदा समय, तो किस काम में गुजारती थी? देखिए वल्ली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट डोर वे ओवर हाउस, मतलब अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े रहकर वो अपना समय बिताती थी, ठीक है, अपना समय को स्पेंड करती थी। इट वाज टू वॉच, समय किस में ज्यादा था उसका? देखना, वॉच मींस क्या होता? देखना। तो दरवाजे पर खड़े होकर वल्ली जो है वो क्या देखती थी? तो इट वाज टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग, और व्हाट में सुझाना पर क्या, और हैपनिंग में सोता है होना, या बोल सकते पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना। इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मीन्स होता है वैसे तो गली, क्या होता है? गली, पर यहां पर जो स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, है ना, और आउटसाइड होता बाहर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट होता है कि वल्ली जो अपना फेवरेट पास्ट टाइम कहां पर गुजारती थी? अपने घर के डोरवे दरवाजे पर, दरवाजे के सामने खड़े होकर, है ना, अपना समय बिताती थी। इट वाज टू वॉच, और क्या देखती थी? यहां देखने के लिए समय बिताती थी। व्हाट वाज हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है गली में, बाहर, बाहर गली में या बाहर सड़कों पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस काम में वो अपना समय पसंदीदा समय बिताती थी। पसंदीदा मतलब उसको बहुत पसंद आता था, दरवाजे पर खड़े होकर बाहर बस से जा रही आ रही ये देखने में उसको बहुत आनंद आता था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हमने आंसर कंप्लीट किया है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जितने भी जो वर्ड्स है, जैसे स्ट्रीट खड़े होना इसका इमेज आपको दिख जाएगा, डोर में दरवाजे का इमेज आपको नीचे दिख जाएगा स्क्रीन पर, हाउस का आपका इमेज दिखेगा आपको, ठीक है ना, और हैपनिंग आउटसाइड स्ट्रीट गली आउटसाइड बाहर, ये जो जो इसमें जो मीनिंग्स होते हैं हमने जो क्लासेस को बनाया पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से बनाया ताकि बच्चे को चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। वैसे भी क्या इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, बच्चे के माइंड में पहली बात तो घुसते ही और घुस जाता है तो फिर निकलता नहीं है। तो जो जो मीनिंग्स है यहाँ पर वल्ली का आपको इमेज दिखेगा, ठीक है, तो जहां जहां भी पॉसिबल होगा हम वहां पर आपको इमेजेस के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली,
क्या क्वेश्चन, व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, ठीक है। और आगे देखिए, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका व्हाट मींस क्या हो गया, वो सोर्स मींस होता है यहां पर स्त्रोत, ठीक है, ये हो गया स्त्रोत। और अनएंडिंग होता है असीम, अनएंडिंग मींस होता है आपका असीम, असीम। जॉय होता है आनंद, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं खुशी। जॉय फॉर वली, तो वली नाम है लड़की का, ये हो गया आपका वली। तो देखिए वली के लिए, फोर होता है, फोर मींस के लिए, तो वली के लिए असीम आनंदित स्त्रोत क्या था, ठीक है, वली के लिए असीम आनंदित स्त्रोत क्या था, मतलब खुशी के लिए सबसे ज्यादा आनंदित स्त्रोत जो सोर्स है वो क्या था, पहला क्वेश्चन। फिर इसमें आगे पूछा है व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी सबसे तीव्र, स्ट्रॉन्गेस्ट मींस होता है सबसे तीव्र, है ना, सबसे तीव्र डिजायर, डिजायर मींस होती है इच्छा, तो सबसे तीव्र इच्छा उसकी क्या थी, दो क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो देखिए आंसर क्या है, द साइट ऑफ द बस विद न्यू पैसेंजर्स, बस आपको इतना ही याद करना है यहां तक, द से लेके तो आपको न्यू पैसेंजर्स तक याद करना है, बाकी आपके क्वेश्चन में देखिए, द साइट ऑफ द बस विद न्यू पैसेंजर्स वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वलिस, यहां से है ना, ए से लेके वाज से पूरा यहां तक आ जाए आपका क्वेश्चन, वली तक पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए आंसर क्या, द साइट, साइट मीन यहां पर बोल सकते हो अपन देखना, देखना, या फिर बोल सकते हो आप दृश्य, है ना। तो द बस, बस अभी ने देखा है आपने, विद न्यू पैसेंजर, न्यू जा रहा है पर नए, और पैसेंजर होते हैं यात्री, तो नए पैसेंजर, न्यू मतलब न्यू पैसेंजर, नए यात्रियों को बस के साथ देखना, किसके साथ देखना, बस में से उतरते हुए बस के साथ देखना ही उसके लिए क्या था, वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वली के लिए जो आनंद की सबसे असीम स्त्रोत था, है ना, वली के लिए असीम स्त्रोत, मतलब खुशी का असीम स्त्रोत था, क्या था, कि जो नए पैसेंजरों को बस के साथ देखना है, बस में देखना, ठीक है। चलिए आगे क्या पूछा था, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, इसके बारे में पूछा, तो देखिए उसके मतलब सबसे तीव्र इच्छा क्या थी, तो देखिए हर स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, वल्ली की बात करें, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, डिजायर मीन देखिए वहां पर लिखा हुआ इच्छा, फिर यहां पर लिख देते एक बार, तो उसकी सबसे तीव्र जो इच्छा थी वाज टू राइड ऑफ डेड बस, है ना, तो यहां पर राइड में होता है सवारी करना, सवारी करना, तो किसकी सवारी करना, डेड बस, यानी कि उस बस की सवारी करना, ठीक है, उस बस की सवारी करना उसकी सबसे तीव्र इच्छा थी, किसकी, वल्ली की, कि मैं इस बस में बैठूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू, जो कि हमने क्वेश्चन और आंसर को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन थ्री, यहां पर हमारा, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जाएगा आपको व्हाट, और व्हाट मींस हो गया क्या, और वल्ली लड़की का नाम है फाइंड, फाइंड मींस होता है पाना या ढूंढ निकालना, तो यहां पर जो अर्थ है वो मिल जाना है, किसी चीज को ढूंढ लेना। आउट अबाउट द बस जर्नी, है ना, अबाउट होता है के बारे में, के बारे में, और किसके बारे में, बस, और जर्नी होती है आपकी यात्रा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, जो वल्ली है उसने बस यात्रा के बारे में जो जानकारी है वो कहां कैसे प्राप्त करी, है ना, ये क्या जानकारी प्राप्त करी उसने बस, बस यात्रा के बारे में, और हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल, और उसने यहां जर्नी, यहां देखो हाउ में सुझाया कैसे, है ना, और शी किसकी बात कर रहे हैं, वल्ली की बात कर रहे हैं, और फाइंड होता है पाना ढूंढ निकालना, है ना, आउट दिस डिटेल मतलब ये जानकारी, डिटेल्स होता है जानकारी, जानकारी, तो ये जानकारी उसको कैसे मिली, कैसे प्राप्त हुई, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो वल्ली है उसको बस यात्रा के बारे में उसको क्या जानकारी मिली, ठीक है, क्या जानकारी उसको मिली, फिर हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल, उसको ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई, कैसे मिली। तो देखिए आंसर, वल्ली फाइंड, क्वेश्चन में फाइंड के सेकंड में फाउंड, बल्ली को जानकारी फाइंड आउट मतलब उसने जानकारी ढूंढ निकाला कि द टाउन वास, जो टाउन होता है आपका कस्बा या शहर बोल सकते अपन, है ना, या इसको बोल सकते अपन कस्बा, तो जो शहर है कस्बा है वास 6 miles मतलब 6 mile, माइल्स हो जा रहे हैं यहाँ पर 6 mile, तो कितनी मील दूर है, 6 miles फ्रॉम द विलेज, गांव, विलेज हो जा रहा है यहाँ पर गांव, तो जो गांव, जो टाउन है कस्बा है शहर है वो गांव से 6 mile दूर है ना, 6 mile दूर है। द फेयर वाज 30 पैसे, और जो फेयर, फेयर में सोता आपका किराया,
किराया, तो जो किराया है 30, 30 मतलब होता है 30, है ना, 30 पैसे किराया कितने है, 30 पैसे है, वन वे, वन वे हो जाएगा आपका एक तरफ का, एक तरफ का, तो एक तरफ का किराया कितना है 30 पैसे, है ना। तो सी फाउंड आउट दिस डिटेल्स, अब एक यहां पर पूछा उसको डिटेल कैसे मिली, सी फाउंड वही फाइंड के सेकंड में होता है फाउंड, सी फाउंड आउट दिस डिटेल्स, उसको ये जानकारी मिली, ये ऊपर लिखा हुआ है देखिए दिस डिटेल्स, ये जानकारी अबाउट द बस, बस के बारे में कैसे मिली, आफ्टर, आफ्टर जाना यहां पर के बाद, ठीक है, आफ्टर के बाद हियरिंग द पैसेंजर कन्वर्सेशन, जब उसने देखिए पहले तो देख लीजिए यहां पर हियरिंग सुनना हो गया, ठीक है, और पैसेंजर होते हैं यात्री, और कन्वर्सेशन होती है बातचीत या वार्तालाप, बातचीत या वार्तालाप बोल सकते हैं, जब उसने यात्रियों को बातचीत करते हुए सुना तो उसको ये जानकारी मिली, ठीक है, ये डिटेल उसको मिल गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का और ये इसके आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्लानिंग टू डू, व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू, तो देखिए यहां पर व्हाट हो जाएगा मींस क्या, है ना, और यू का आप, है ना, या फिर तुम बोल सकते हैं, और थिंक में सोचना या लगना, थिंक में तो जाएगा सोचना या लगना, और वली लड़की का नाम है, प्लानिंग होती है योजना, ठीक है, और डू मींस होता है करना। तो देखिए आपको क्वेश्चन कुछ थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू, कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि वली वाज प्लानिंग, वली क्या योजना बना रही थी टू डू करने के लिए, वली क्या करने के लिए योजना बना रही थी, ये क्वेश्चन है आपका। तो आंसर देख लीजिए इसका, वली वाज प्लानिंग, तो देखिए क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको वली वाज प्लानिंग, है ना, टू भी दिख रहा है, तो वली वाज प्लानिंग आपके क्वेश्चन में। अब देखिए आंसर क्या, राइट, वो राइट का हम देख चुके हैं, सवारी करना, सवारी करना, तो वली क्या चाहती है, क्या करने के लिए प्लानिंग कर रही है, तो वली वाज प्लानिंग टू राइड इन डेट बस, उस बस में सवारी करने की प्लानिंग कर रही हो, ठीक है ना, तो वली जो है उस बस में सवारी करने के लिए योजना बना रही थी, ठीक है, योजना बना रही थी। अब फिर आगे देखिए क्या आगे क्या योजना थी, सी शुड, है ना, सी हो जाएगा वहां, वहां किसकी बात कर रहे हैं वली, तो सी शुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, है ना, उसको 1 बजे, है ना, 1 बजे आफ्टरनून यानी कि दोपहर, दोपहर 1 बजे, है ना, उसको बस के पास जाना होगा, कितने बजे, 1 बजे बस के पास पहुंचना होगा, जाना होगा, शी वुड रिच, है ना, और फिर वहां वो रिच में होता है पहुंचना, तो शी वुड रिच द टाउन एट 1:45, यानी कि रिच में होता है पहुंचना और टाउन होता है शहर, तो उसे टाउन यानी कि कस्बे या शहर पर 1:45, 1:45 पर, 1:45 होता है 1 और 45, यानी 1:45 पर उसको कहां पहुंचना होगा, शहर पहुंचना होगा, यानी टाउन में पहुंचना होगा, सी वुड बी बैक होम, और उसको वापस घर आना होगा, ठीक है, बैक होता है वापस, और होम हो जाए घर, और उसको घर वापस आना है बाई अबाउट लगभग कितने बजे, 2:45 का मतलब 2:45 पर उसको घर वापस पहुंचना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और जिसके हमने आंसर कंप्लीट यहाँ पर किए हुए। आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छे लग रही होगी और आपको क्वेश्चन आंसर बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे।